हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे साथ है मेरे स्टूडेंट। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। अमन शुक्ला, कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? फोर डे है। तो अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट सेकंड में चलाया है। तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, जैसे ट्रैफिक में बम्फर टू बम्फर कार को रोकना और बढ़ाना। तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक तो नहीं है, नहीं, बट गाड़ी यहाँ हमारी जो है वो खाली रोड पे है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि गाड़ी को फर्स्ट गियर में बढ़ाना है, फिर रोक लेना है, फिर न्यूट्रल करना है, फिर फर्स्ट गियर डाल के बढ़ाना, फिर रोक लेना। आपको यही करना है। हाफ क्लच पे गाड़ी को रोकना, फुल क्लच लेके वापस गाड़ी स्टॉप कर लेना, हाफ क्लच पे मूव कर लेना, फुल क्लच लेके गाड़ी को रोक लेना, हाफ क्लच पे गाड़ी को मूव करना। तो चलो रेडी हो जाओ। जितनी बार गाड़ी रोकोगे उतनी बार गियर न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डालना है। चलो। हाँ, इंजन बंद नहीं होना चाहिए, इंजन बंद नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुके, इंजन बंद नहीं होना चाहिए जरा सा भी, एक सेकंड के लिए भी इंजन बंद ना हो। रोक रोक के, हाँ चलो, गाड़ी बढ़ाना फिर रोक लेना, बढ़ाना फिर रोक लेना। जितनी बार गाड़ी रोकोगे उतनी बार गियर न्यूट्रल करके फर्स्ट करोगे। इससे क्या है ना, ट्रैफिक वाला जो कंसर्ट है ना, रोकना बढ़ाना, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हमारे दिमाग में अपने गियर को लेके ना कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और गियर बहुत प्यार से लगता है, जितना स्लोली स्लोली करोगे उतना अच्छा रहेगा। गाड़ी में जर्किंग नहीं आना चाहिए, ठीक है? जरा सा भी जर्क, गाड़ी ऐसे रोको कि ग्लास अगर पानी का डैशबोर्ड पे रखा हो तो छलके ना। एकदम प्यार से क्लच पूरा लो और ब्रेक को ऐसे यूज करो, बहुत लाइटली, ऐसा लगे जैसे कि ब्रेक एकदम मक्खन की तरीके से, जरा सा भी गाड़ी में जर्क ना है। वेरी गुड, ऐसे ही आना चाहिए, समझ रहे? 1% भी, जैसे इस बार रोका ना एकदम परफेक्ट रोका है, जरा सा भी दिक्कत नहीं आई है। इसी की प्रैक्टिस करते रहना है। और अपने लेफ्ट वाले आरबीएम, राइट वाले आरबीएम, लुकिंग ग्लास, इनको सबको देखना, भगाओ मत, रोक रोक के करो, दौड़ाना थोड़ी है। पांच मिनट में बात करता हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। वापस पूरा क्लच देन ब्रेक। अब गाड़ी को सेकंड गियर में उठाओ डायरेक्ट। अभी जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे क्या गाड़ी सेकंड गियर में भी उठती है, तो सेकंड गियर में भी बिना एक्सेलेटर, एक्सेलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट गियर में आप 5 सेकंड में क्लच को, गाड़ी गियर में एक्टिव होती थी, तो यहां पे आपको 10 सेकंड तक क्लच को होल्ड रखना पड़ेगा। वापस स्टॉप कर लो, फिर न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डालो। उठ गई सेकंड गियर में, फिर न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डालो, फिर बढ़ाओ, फिर वापस पूरा क्लच दबा के न्यूट्रल करो, फिर सेकंड गियर में करके उठाओ गाड़ी को। उठ गई, फिर वापस पूरा क्लच ले लो, गाड़ी न्यूट्रल करके बैक गियर डालो। पूरा क्लच नहीं दबाया था इसीलिए खट करके आवाज क्यों आई है? पूरा क्लच लग गया ना बैक गियर। हाँ, बैक गियर लग गया। अब अपना लेफ्ट वाला वो आरबीएम चेक करो, राइट वाला वो आरबीएम चेक करो, लुकिंग ग्लास देखो, और सीधी सीधी जैसे गाड़ी है ऐसे जाएगी, जरा सा भी लेफ्ट और राइट स्टीयरिंग नहीं होगी। जाने दो, 2 मीटर जाने दो, रोक लो, 2 मीटर जाने दो, रोक लो। यही चीज, वही सेम क्लच और ब्रेक, गियर भी न्यूट्रल करना है मेरे भाई, वही फर्स्ट की तरह रिवर्स को न्यूट्रल करो, फिर रिवर्स गियर डालो। ये फोर्थ गियर डाल दिया आपने, ये लगा रिवर्स, इस बार आवाज आई कहीं खट? नहीं। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो गियर की कि आंख बंद करके भी गियर हम लगा सके। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है? फर्स्ट और बैक गियर, सबसे ज्यादा यूजेस उसी का होता है। बहुत प्यार से,
अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, क्या देना चाहिए यहाँ पे, अपना लेफ्ट वाला ORBM और राइट वाला ORBM। हाँ तो वही तो देख रहा। हाँ मैंने कहा सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारी गाड़ी बैक में जा रही है ना, तो बैक में जाने के लिए हमको ये समझना है कि अभी तो गाड़ी सीधी सीधी जा रही है, लेकिन जब हमारे लेफ्ट या राइट में कोई ट्रैफिक आ रहा होगा तो उसके लिए हमें अपना लेफ्ट और राइट वाला ORBM बार बार, स्टीयरिंग क्यों हिला रहे हो बगैर बात, फिर कई बार ऐसा होता है लगाना चाहते हैं हम बैक गियर लग जाता है फोर्थ गियर, क्योंकि फोर्थ गियर बैक गियर अगल बगल है, जैसे बाई मिस्टेक फर्स्ट की जगह थर्ड लग जाता है, थर्ड की जगह फर्स्ट लग जाता है ना, और थर्ड की जगह फिफ्थ भी लग जाता है, सेकंड की जगह फोर्थ लग जाता है। तो ये जो गियर का पैटर्न है इसकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ गियर डाल दिया फिर आपने, ये पूरी तरीके से गियर आपको पुश करने के बाद ही पीछे खींचना है, अगर हल्का सा उसको पुश करने के बाद ढीला करोगे तो फोर्थ में ही जाएगा। थोड़ा लेफ्ट मोड़ना पड़ेगा भैया। क्यों मोड़ना पड़ेगा, चढ़ जाएगी बहुत जगह, कहाँ चढ़ जाएगी बहुत जगह आपके लेफ्ट में, इसमें देखने में लग रहा है चढ़ जाएगी। कैसे चढ़ जाएगी, अभी आपके लेफ्ट में कम से कम 2 फीट का स्पेस है आपके टायर से, और जो नीचे है 2 फीट का जगह है, लेफ्ट आओ हल्का बस जा, अब हल्का कहा था आपने 20 डिग्री घुमा दिया स्टीयरिंग, हल्का कितना होता है यू, हाँ बस इतना बहुत था, आपने इसके 3 गुना घुमा दिया। हल्का घुमा ले, सीधी करो स्टीयरिंग बस, जाने तो धीरे से, रोक लो पूरा क्लच और ब्रेक बस, अब इसको पहले गियर में करो, अब आगे बढ़ाओ, चलो आगे जाओ, बताता हूँ वहां लेके चलो जहां बाइक निकली हो, वहां डायरेक्ट लेके चलो। हाँ क्लच को फ्री करो, स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चेंज करो सेकंड गियर, हाँ हाँ बस एक टायर हल्का नीचे रखना, सीधा चलने दो, एक टायर लेफ्ट वाला नीचे रखोगे, राइट वाला थोड़ी रख सकते हो, और लेफ्ट आओ, हाँ और आगे जाने दो, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा और आगे जाने दो, सीधी रखो एकदम सीधी, हाँ जाने दो, अभी स्टॉप करो, स्टॉप बस, पूरा क्लच ले लिया, ब्रेक ले लिया, अब अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, जो तुम्हारे लेफ्ट में जो ये वॉल है ये वाली, इसको समझना, अब गियर डालो बैक, अब स्टीयरिंग घुमा दो पूरी लेफ्ट 90 डिग्री से घुमा दो फुल, ये एक राउंड हो गया, ये डेढ़ राउंड, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक करो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, हाँ जाने दो धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, भाई ब्रेक तो छोड़ो, ब्रेक क्यों दबा, फ्री है भैया, हाँ तो जाओ छोड़ो क्लच छोड़ो, हाँ तो टेक लगी, हाँ तो कोई नहीं, हल्का सा क्लच छोड़ो कि ज्यादा बढ़ जाएगी, बस स्टॉप करो, बढ़ गई गाड़ी, हाँ बढ़ गई, एक्सीलेटर की कोई जरूरत पड़ी नहीं, तो क्लच का ही तो पूरा खेल है, जाने दो धीरे धीरे, चलो अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते रहो, जाने दो, हाँ जाओ फुल कटी रहने दो जैसे कटी है, जाने दो फुल 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 फुल, स्टॉप करो स्टॉप करो, अब देखो लेफ्ट वाले ORBM को देखो कितना स्पेस है तुम्हारे लेफ्ट में, अरे शीशा नहीं सेट है क्या आपका, नहीं हाँ शीशा नहीं सेट है, दीवार नहीं दिख रही मुझे, दिखा, और जाओ थोड़ा सा पीछे, और जाओ अब स्टॉप करो, अब इतनी जगह मिल गई कि गाड़ी आसानी से कट जाएगी, अब 90 डिग्री से स्टीयरिंग को राइट घुमाओ फर्स्ट गियर में करके, गाड़ी वापस निकाल लो, पूरी घुमा ली, हाँ सिग्नल कौन देगा राइट का, आप सीख रहे हैं ना, तो हर चीज की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, जाने दो धीरे धीरे हाफ क्लच पे, हाँ चलो अब लेफ्ट आओ धीरे धीरे, जहां बंदा है वहीं पे रोकना है चल के रेड टी शर्ट वाले के पास, एक टायर नीचे करना है, एक टायर, हाँ बस जाने दो, और जाने दो, और लेफ्ट आओ हल्का, बस सीधी रखो स्टीयरिंग, और जाने दो, और अभी स्टॉप करो पूरा क्लच देन ब्रेक, फिर वही सेम कंसर्ट, बैक गियर डालो पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दो, और अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो कि जो पेड़ है लेफ्ट में उसकी दूरी क्या है, क्या चीज इसमें देखना चाह रहे हो आप साइड मिरर में, आप क्या देखना चाह रहे हो, गाड़ी हल्की दिखे, पूरा स्पेस दिखे साइड, तो गाड़ी दिखेगी, गाड़ी के पीछे 2-3 मीटर पीछे का आपको दिखेगा ना, चलो घुमाओ फुल लेफ्ट और धीरे धीरे जाने दो एकदम धीरे धीरे, जाने दो धीरे धीरे, जाने दो जाने दो, जाओ 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 जाओ, चलो 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 जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, स्टीयरिंग सीधा करो, स्टॉप
ये सीधा हुआ है, बस यही चीज है। माइंड को अपने ऐसे कर लो कि आंख बंद करके भी कोई एक्टिविटी करो तो दिक्कत ना हो। अब हमें यहाँ से राइट जाना है, 90 डिग्री काटोगे तो आसानी से गाड़ी कम जगह में घूम जाएगी ना। जो 6.5 फीट बोनट आगे निकला उसको कहाँ बचाओगे? अभी गाड़ी ढलान पे, तो पहले हाफ क्लच छोड़ो, हाफ जाने दो। चलो अब धीरे धीरे सीधी करते रहो, जैसे जैसे रोड पे गाड़ी चढ़ रही वैसे वैसे सीधी करते रहो। जाने दो धीरे धीरे। चलो अब निकालो, पहले स्पीड मेंटेन करो, चारों तरफ देख के, लेफ्ट और राइट देख के, क्योंकि ब्लाइंड टर्न है यहाँ पे, दोनों साइड से ट्रैफिक आता है। अभी स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ, और राइट वाला पैर ब्रेक पे, क्लच दबा के सेकंड गियर। क्या पूरा क्लच दबाया था आपने भी गियर चेंज करने टाइम? क्यों रह गया था? मैं तो यहाँ बैठा हूँ फिर भी मुझे पता चल रहा है। आधी की डालने से क्या लॉक खुलेगा अमन जी? नहीं खुलेगा। फिर कोशिश करना, तोड़ना पड़ जाएगा ताला। चलो बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाए, स्पीड मेंटेन करो। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है 20-30 होती है, ठीक है दोस्तों? आज इनको थर्ड से फोर्थ डे है और इतना परसेंटेज मैंने इनको गाड़ी सिखा दिया कि आज आप लोग देख लो, मैं कार में पीछे बैठा हूँ पिछली सीट पे और ये ड्राइव कर रहे हैं। इन्होंने अभी थर्ड गियर डाल दिया है गाड़ी में, जो कि 30 स्पीड हुई नहीं थी पूरी तरीके से। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो 30-40 होती है। जब 30 आप स्पीड क्रॉस कर जाओ उसके बाद आपको गियर डालना होता है, तो इंजन आपका स्मूथ रहेगा। अभी इंजन पे लोड पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, बस 30 पे रहना, 30 से अराउंड ना जाना, क्योंकि भाई मैं बैठा हूँ पीछे, कंट्रोलिंग पूरा आप ही के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ वो ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है तभी मैंने गाड़ी दी है। और अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को चेक करते रहना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके ब्रेक पे पैर रख लो और हाफ क्लच दबा लो, क्योंकि गाड़ी का टायर एक नीचे उतर गया। वापस क्लच को रिलीज कर दो, हाँ गियर डाउन करो, सेकंड करो, ये फोर्थ कर दिया, फोर्थ है ये सेकंड। हाँ भाई फोर्थ गियर में उठती गाड़ी, अभी बंद हो जाती झटके मार के। आज जाके इसके जो गियर का पैटर्न है इसके ड्रॉइंग को पेपर पेन पे बना लेना, या गियर वाली को एक वीडियो देख लेना। गियर का ही तो सारा खेल है भाई, समझ रहे हो? सारा खेल गियर का ही है। गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड गियर में। अभी यहाँ पे थोड़ा टिपिकल है, ध्यान देना, राइट का सिग्नल दो, गुड, और वहां पे टर्निंग के टाइम थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी जब मैं बताऊंगा, हाँ अब यहाँ पे पूरा क्लच ले लो, स्पीड लो कम करो, राइट दबाओ धीरे धीरे, हाफ क्लच लेके रखना, हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो। चलो जाओ छोड़ो क्लच ब्रेक, रुको, हाँ पहले गियर में करो इसको, जाओ धीरे से हाफ क्लच पे, हाफ क्लच पे, जाने दो जाने दो। चलो 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 चलो, अपना लेफ्ट ही रखना ताकि लेफ्ट से कोई ना निकल पाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ, लेफ्ट आओ हल्का, जरा गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे लग रहा है टायर पंचर हो गया है। रोको गाड़ी, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, न्यूट्रल करो गाड़ी, हाँ हैंड ब्रेक लगाओ, चलो चलो कोई नहीं। ऐसा लगा था, कई बार ऐसा होता है कि टायर ऐसे में चला जाता है तो वाट लग जाती है, कई बार मेरे को ऐसे टायर बदलवाना पड़ा है। भाई गियर तो डालो, हम डालूंगा, नहीं एक्सीलेटर नहीं ले रहे थे? नहीं चलो चलो चलो, ब्रेक डाउन किया था, नहीं मुझे लगा कि एक्सीलेटर ले रहे हो, गियर नहीं डाला, कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है। चलो जाने दो धीरे धीरे, अभी स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, चलने दो धीरे धीरे। कौन से गियर में हो? सेकंड गियर में। चलो स्पीड मेंटेन करो। हेलो,
आ जाओ मेरे आगे आगे, तुम्हारी गाड़ी स्कूटी पीछे, आगे आगे आओ, आगे आगे स्पीड बढ़ाओ, चलो रेस करो। हेलो, सीधा सीधा चले आओ, जहाँ पे खड़े हो वहाँ से 500 मीटर आगे और आ जाओ। सीधा जाना है, हाँ हल्का राइट रखो, चलो बढ़ा लो स्पीड, हाँ गुड, स्पीड बढ़ाओ, जाने दो, थर्ड गियर डालो, गुड, गियर को हथौड़े की तरह मत पकड़ा करो, लाइटली, समझ रहे हो, सदा सुखी रहोगे, सीख जाएंगे। अरे तो हम कब कह रहे नहीं सी, हम धो धो के सिखा देंगे किस गलत फहमी में हो। मेरे पास दो ही ऑप्शन, या तो सीख जाओगे या तो फिर छोड़ के चले जाओगे। दोस्तों आज देखा चौथा दिन है इनका, और कोई भी ट्रेनर ऐसे गाड़ी देगा नहीं, देगा भैया नहीं देगा, क्योंकि मैं जिसको भी सिखाता हूँ एज ए फैमिली मेंबर की तरीके से, आगे बढ़ा के लेफ्ट में रोकना है, सिग्नल दो लेफ्ट का पनवाड़ी को क्रॉस करके, हाँ गियर कम कर लो, गियर कम कर लो, साइड में रोकना है, हाँ और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, हाँ पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, और आगे जाओ, और आगे, और लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट, और बस स्टॉप करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, हल्का से बढ़ाओ थोड़ा सा, बस स्टॉप, बस अब न्यूट्रल करो गाड़ी, हैंड ब्रेक लगाओ, इंजन बंद करो, चलो गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।